हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रोल सीजिंग क्या होता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से, ग्राफिकल मोड से। ये तो तब था जब हमारे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और मेरा बैकअप सिस्टम ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, दोनों नेटवर्क में कनेक्टेड थे। मान लीजिए किसी दिन आप ऑफिस में आए और आपका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है आपने चलाया और वो ऑन ही नहीं हुआ, क्रैश था किसी भी प्रॉब्लम से, मतलब हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल मशीन है, करप्ट हो सकती है। तो अगर मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर करप्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपका नेटवर्क कैसे ऑन होगा, क्योंकि रोल ट्रांसफ़र के लिए तो आपको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क में चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा डोमेन कंट्रोलर क्रैश्ड है, मेरे पास बैकअप है, ADC है, और मुझे इसे अप करके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है फोर्सफुली, दैट इज़ द फीचर ऑफ रूल्स। फोर्सफुली जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को यानी बैकअप सिस्टम को विदाउट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इन द नेटवर्क लेकर आते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ADC को बनाते हैं फोर्सफुली, उसे कहते हैं रोल सीज। यही मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए, दिस फीचर इज यूज व्हेन आवर प्राइमरी सर्वर क्रैश्ड और नॉट इन नेटवर्क बाय एनी रीजन। इट परफॉर्म्ड, मतलब रोल सीजिंग परफॉर्म ओनली बाय द कमांड प्रॉम्प्ट, यानी यहाँ पर ग्राफिकल प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नहीं है, हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसको करेंगे। और जब आप रोल सीज करते हैं तो सिस्टम जानता है कि रोल ट्रांसफर सेफ है, रोल सीज में प्रॉब्लम हो सकती है 1%, तो रोल सीज की एडवाइस नहीं दी जाती है जब तक कि एकदम इमरजेंसी ना हो। और जब भी आप रोल सीज करेंगे तो पहले वो ट्राई करेगा कि सेफ ट्रांसफ़र कर लिया जाए। अगर सेफ ट्रांसफ़र के लिए उसे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क में नहीं मिलता है तब वो इसे फोर्सफुली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाता है, यानी सीज रोल करता है। इसमें एक बात और भी है कि जब भी आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्रैश था, प्रॉब्लम थी, मान लीजिए हमने फोर्सफुली ADC को अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना लिया, अब जब भी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क में रीस्टार्ट होगा ये सिंक कर लेगा रोल ट्रांसफ़र को और वो बैकअप बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रोल सीज का प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, उसके बाद सिंकिंग करके भी देखेंगे। ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें हम कल रोल ट्रांसफ़र कर रहे थे। मैं यहाँ नेट अकाउंट्स चला के दिखा रही हूँ आपको कि ये ADC डोमेन कंट्रोलर है, यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, क्योंकि ये बैकअप दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये ADC है, मैंने आपको बताया था ADC क्या दिखाता है, बैकअप दिखाता है। तो अब सब हम क्या करेंगे, कल वाला जैसे हम किया थे रोल ट्रांसफ़र, उसके लिए हमें होस्ट नेम कॉपी करना था। होस्ट नेम बड़ा सा है इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं, आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से कंप्यूटर नेम पूरा कॉपी किया, ये मैंने पूरा कंप्यूटर नेम कॉपी कर लिया। अब मैं रोल ट्रांसफर के स्टेप्स दिखा रही हूँ, नोट करते जाइएगा सारी कमांड्स। देखिए अब कमांड लिखिए, पहले की कमांड आपकी वही है, NTDS util roles connection, कल भी ये कमांड हमने की थी इतनी तक तो। उसके बाद कनेक्ट टू सर्वर, अपने ADC को ही हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू सर्वर, और उसके बाद जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए लॉकडाउन यूजर दिखा दिया आपको। अब हम क्विट करके FSMO मेंटेनेंस पर वापस आएंगे, कनेक्शन करने के बाद हम FSMO मेंटेनेंस पर वापस आ गए। अब यहाँ पर आप लिखते थे ट्रांसफ़र PDC, ट्रांसफ़र RID, लेकिन अभी हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, सीज करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम सीज रोल करेंगे तो पहले ये ट्राई करेगा कि ये सेफ ट्रांसफ़र कर ले, अगर सेफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये कभी सीज रोल नहीं करेगा, क्योंकि रोल ट्रांसफ़र इज मोर देन सेफ देन द सीज। तो सीज PDC पर हम क्लिक करते हैं तो ये ट्राई करेगा और ये लिखेगा भी, देखिए
अटेम्प्टिंग टू सेफ ट्रांसफर पीडीसी एफएसएमओ बिफोर सीज़ियो, यानी सीजिंग करने से पहले ये सेफ ट्रांसफर के लिए ट्राई करेगा। जब इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं मिलेगा तब ये इसे फोर्सफुली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये नेटवर्क चेक के लिए जाता है। ये एरर दिखाएगा पहले कि ये सेव ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, उसके बाद रोल सीज करेगा। इट टेक अ लिटिल बिट टाइम। देखिए एरर मैसेज आ गया। सबसे पहले इसने एरर मैसेज दिया कि एरर मैसेज इन अ ट्रांसफ़र, उसके बाद इसने रोल सीज कर दिया। ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे एफएसएमओ, ये देखिए ट्रांसफ़र टू पीडीसी एफएसएमओ फेल्ड प्रोसीजर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सीज़ियोर, यानी अब रोल सीज किया। तो इतना टाइम तो ये लेगा थोड़ा थोड़ा। फिर से हम करते हैं रोल सीज के लिए आरआईडी मास्टर करते हैं। अब कमांड वैसे ही होंगी, बस ट्रांसफर की जगह हम सीज लिखेंगे। ये फिर से अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर करेगा सेफ ट्रांसफर, और फिर रोल सीज के लिए देगा टाइम। देखिए इसमें भी इसने आरआईडी मास्टर को भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम तीसरा रोल करते हैं। ये बार बार वही करेगा, पहले चेक करेगा कि ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, उसके बाद रोल सीज करेगा। देखिए तीसरा रोल भी सीज हो गया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है इसलिए बीच बीच में मैं पॉज दे रही हूँ। अब हम चौथा रोल करते हैं, नेमिंग मास्टर सीज नेमिंग मास्टर। देखिए फोर्थ रोल भी ट्रांसफ़र हो गया। अब हम सीज करेंगे फिफ्थ रोल, सीज स्कीमा मास्टर। इसमें भी 2 मिनट टाइम लेगा क्योंकि ये पहले सेफ ट्रांसफ़र के लिए जाएगा। फिफ्थ रोल भी सीज हो गया मेरा, ये देखिए। अब हम यहाँ से क्विट करके चेक करते हैं कि ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना कि नहीं बना। मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, रोल सीज कर लेंगे। ये देखिए नेट अकाउंट्स चेक करिए एंड इट इज़ अ प्राइमरी। नेक्स्ट वाला जो आपका फॉलोअप है वो ये कि क्या अब मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ऑन कर दूँ तो ये आपका बैकअप बन जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ।
हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था उसे मैंने ऑन किया है, ये प्राइमरी बन चुका है। तो अब हमारा बैकअप वाला जो सिस्टम है वो प्राइमरी बन गया, तो जो प्राइमरी था उसे क्या बन जाना चाहिए? बैकअप बन जाना चाहिए। तो यही मैं आपको चेक कराने वाली हूँ कि जब भी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नेटवर्क में अप होगा, पहले तो ये नेटवर्क में था ही नहीं, तो फोर्सफुली हमने एडीसी को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना लिया। अब जब हमारा दोबारा नेटवर्क में आएगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो क्या करप्टेड होगा या फिर वो बैकअप बन जाएगा? मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि वो अब जब भी आएगा तो वो एडीसी बन चुका होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर सिंकिंग ना हो तो दोनों सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, सिंक हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए सिस्टम ऑन हो गया है। हम इसे लॉगिन करते हैं। और अब यहाँ पर नेट अकाउंट्स चेक करते हैं कि इसका रोल क्या है। देखिए सिंक नहीं हुआ, इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन होने के कारण मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये सिंक ना हो तो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है।